नमस्कार दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे लेटर से जो है पेमेंट करने का ऑप्शन जो है गायब कर दिया गया है, यहाँ पर जो है नहीं दिखाया जा रहा है। पहले देखिए जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर से जो है पेमेंट करने का ऑप्शन जो है यहाँ पर दिखा रहा था, लेकिन इस महीने से जो है हमें फ्लिपकार्ट पे लेटर से जो है पेमेंट करने का ऑप्शन जो है नहीं दिखाया जा रहा है। हम कोई भी प्रोडक्ट जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर के जरिए जो है ईएमआई से जो है नहीं खरीद सकते हैं। तो पेमेंट ऑप्शन जो है कैसे लाया जाए, आइए आज की इस नए वीडियो में जो है जानते हैं। देखिए फ्लिपकार्ट पे लेटर में जो है दो ऑप्शन पहले दिखा रहा था, एक फ्लिपकार्ट पे लेटर का, एक फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई का। तो लेकिन अभी आप फ्लिपकार्ट पे लेटर जो है चेक कीजिएगा तो आप में जो है पे लेटर का ऑप्शन जो है गायब कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी आप में जो है ईएमआई का लिमिट जो है दिखा रहा है, जैसा कि अभी मेरा ईएमआई का लिमिट जो है 77,431 रुपया है। लेकिन अगर आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर जो है पेमेंट करने जा रहे हैं तो वहां पर बताया जा रहा है फ्लिपकार्ट पे लेटर एंड ईएमआई जो है अनअलेबल बताया जा रहा है, तो आपको इसके लिए जो है कंप्लेन करना होगा। कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वीडियो देखने के बाद आप आसानी से जो है कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर जो है ओपन करने जा रहे हैं तो मैसेज में ही आपको ये बताया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस इज नो लॉन्गर अवेलेबल ड्यू टू इंटरनल पॉलिसी रिविजन मेड बाई एस द लैंडिंग पार्टनर। तो हम इसके संदर्भ में जो है IDFC फर्स्ट बैंक के पास जो है मेल किए थे, तो मेल में जो है उधर से जवाब आया हुआ है, बताया जा रहा है कि ये आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट जो है अभी जो है चालू नहीं किया जाएगा, इसको जो है बंद कर दिया गया है। आप फ्लिपकार्ट पे लेटर के जरिए जो है कोई भी प्रोडक्ट जो है नहीं खरीद सकते, आपका पे लेटर अकाउंट जो है हमेशा के लिए जो है बंद क्लोज कर दिया गया है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं आप खरीद सकते। हमको ऐसा लगता है कि भविष्य में जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट जो है बंद होने वाला है, जिस तरीके से जो है पेटीएम पोस्टपेड बंद हुआ उसी तरीके से जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट जो है बंद होने वाला है। जो भी आपका ईएमआई जो है बचा हुआ उसको टाइम से जो है पेमेंट कीजिए, अगर टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सिविल स्कोर जो है खराब हो जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक के पास जो है कॉल किए कि हमारा फ्लिपकार्ट पे लेटर से जो है पेमेंट करने का ऑप्शन जो है नहीं दिखाया जा रहा है, तो अभी उनके तरफ से जो है कोई भी जानकारी नहीं बताया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर जो है कब चालू किया जाएगा। हमको ऐसा लगता है कि भविष्य में हो सकता है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का सर्विस जो है किसी दूसरे लैंडिंग पार्टनर के साथ जो है मिलकर हमें फिर से पे लेटर का सर्विस हमें सुविधा प्रदान किया जाए, लेकिन अभी ऐसा देखने को लगता है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस जो है भविष्य में बंद होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी अगर डाउट चल रहा है नीचे हमें प्यारा सा कमेंट करके जो है सवाल पूछ सकते हैं।